वेलकम गाइज, जेकलोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेकलोन जॉब चैनल को और पाइए रोजाना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न। सो गाइज, बॉटनी का पार्ट से घंटे पार्ट फर्स्ट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आप फिजिक्स का देखना चाहते हो, केमिस्ट्री का देखना चाहते हो, तो चैनल पर जाकर देख सकते हो, वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, ये बॉटनी होने के बाद नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री का होगा, फिर फिजिक्स का। ओके जी, तो चलिए शुरू करते हैं। दो जानवरों को हम एक ही जाति का कब मान सकते हैं? वेन कैन वी कंसिडर टू एनिमल बिलोंग टू सेम स्पीसीज? यदि वे एक जैसे दिखते हैं एवं समान संख्या में संति का निर्माण करते हैं, यदि इनमें समान संख्या में गुणसूत्र होते हैं, यदि इनमें 95% से अधिक समान जीन है, या फिर यदि वे स्वाभाविक परिस्थितियों में स्वतंत्र रूप से संकरण कर सकते हैं एवं प्रजनन संति को जन्म दे सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ईमानदार से बताओ, एग्जाम नज़दीक है आपके। सो सिंपल, आपने टिक लगा दिया होगा किसी भी ऑप्शन पे, जो भी आपका अंदर से फीलिंग आ रही होगी कि हाँ ये सही हो सकता है, लगा दीजिए। जो भी फीलिंग हो उसको अभी निकाल दो, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर निकालोगे तो वहाँ गड़बड़ कर सकते हो आप। सो गलती यहीं पर कर लो तो बढ़िया रहेगा। आई होप आपने लगा दिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। थोड़ा सा मूवमेंट हो गया, इसको एडजस्ट कर लेते। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है। यदि वे स्वाभाविक परिस्थितियों में स्वतंत्र रूप से संकरण कर सकते हैं एवं प्रजनन संति को जन्म दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, पौधों में बहुगुणिता की पॉलीप्लॉइड इसके द्वारा प्रेरित नहीं किया जा सकता। पॉलीप्लॉइड इन प्लांट कैन नॉट बी इंक्लूड बाय, ऑप्शन है कि कॉर्डसॉक, या फिर कोल्चिसिन, या फिर सेंट्रीफ्यूजन, या फिर लाइम वाटर, नींबू पानी जिसको बोलते हो। पॉलीप्लॉइड इसके द्वारा प्रेरित नहीं किया जा सकता, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नींबू पानी, लाइम वाटर, इसके द्वारा नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस परिस्थितिक तंत्र में बायोमास के उल्टे प्रामिड को देखा जा सकता है? इन विच ऑफ द फ्लोविंग इकोसिस्टम इन्वर्सेड प्रामिड ऑफ बायोमास कैन बी ऑब्जर्व्ड? मेरिन, समुंदर, टुंड्रा, या फिर फॉरेस्ट वन, या फिर ग्रासलैंड चारागाह। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहले आप लगा लिया करो गाइज बिना बताए टिक अपने मन में, ताकि आपको खुद को एहसास हो कि हाँ हमने सोचा था वही ऑप्शन सही है, तो अच्छी बात है। अगर गलत है तो समझना कि एक दो बार वीडियो और देखने की रिक्वायरमेंट है इसी को। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका समुद्र, यानी कि मैरिन। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, संचार के लिए जीवों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक संकेत पहचानिए। आइडेंटिफाई द केमिकल सिग्नल यूज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कम्युनिकेशन। केवल अन्य रसायन, केवल केरोमोन, केवल फेरोमोन, या फिर उपयोग सभी। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयोग सभी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा टू कोशिके प्राकरण का हिस्सा नहीं है? विच अमंग द फ्लोविंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ टू कॉल्ड पोलन ग्रैंड? बाइएचोल, एक्जाइन, या फिर जेनरेटिव न्यूक्लियस, या फिर नरयुग्मक, या फिर वेजिटेटिव न्यूक्लियस। राइट ऑप्शन इज नरयुग्मन, यानी कि मेल गैमेट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन फ्लेवर सेवर यानी कि टमाटर की विशेषता के बारे में गलत है? यानी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इसके बारे में सारे कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी तो आप गलत बता पाओगे कि हाँ ये गलत है, यानी कि सही चीज़ आपको पता होनी चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फ्लेवर
सार्वी टमेटो वैरायटी। फ्लेवर सेवर, इसका निर्माण कैलिफोर्निया की कंपनी केलगन ने किया था, क्या ये सही है या फिर गलत है आपको बताना है। यह पहली व्यावसायिक रूप से विकसित अनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग खाद्य फसल थी। पॉलीग्लूटामेट जो का उत्पादन नरम किए बिना पकड़े गए अवरोध, या फिर आप इंग्लिश का सहारा ले सकते हो, कुछ अगर आपको अटपटा सा लगे हिंदी में तो प्रोडक्शन ऑफ द पॉलीग्लूटामेट वाज ब्लॉक टू रिपेन विद विदाउट सॉफ्टनिंग। इसमें अल्प अचल जीवन और पोषण तत्वों की गुणवत्ता खराब होती है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसमें अल्प अचल जीवन और पोषण तत्वों की गुणवत्ता खराब हो जाती है, ये इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोविंग इज राइटली पैड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेलित है, उपयोग सभी या फिर अग्रबिंदु गुणसूत्र केंद्र में या फिर मध्य केंद्रीय गुणसूत्र बिंदु मध्य में या फिर अत्य केंद्रीय उप टर्मिनल गुणसूत्र बिंदु में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, मध्य केंद्रीय गुणसूत्र बिंदु मध्य में होता है। राइट, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विशेषता बीजों के परिवहन और भंडारण में मदद करती है, विच ऑफ द फ्लोविंग फीचर हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ सीड, केवल बीजावरण, केवल निर्जलीकरण, केवल प्रसुप्ति या फिर निर्जलीकरण और प्रसुप्ति दोनों। राइट ऑप्शन इज निर्जलीकरण और प्रसुप्ति दोनों। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा फाइटो हार्मोन एक तनाव हार्मोन है, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन है, विच ऑफ द फ्लोविंग फाइटो हार्मोन इज स्ट्रेस हार्मोन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन या फिर ए बी ए। हार्मोन के ऊपर वीडियो बना दिया था जो कि जीके एमसीक्यूज एमके चैनल पर हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, लिंक नीचे दे दिया डिस्क्रिप्शन में, ज़्यादा घबराने की आपको रिक्वायर्ड नहीं है, जाके देख लेना, लिंक दे दिया हमने डिस्क्रिप्शन में। निम्नलिखित में से कौन सा फाइटो हार्मोन एक तनाव हार्मोन है, सिंपल ए बी ए। ठीक है, नेक्स्ट, 16 गुणसूत्रों वाली एक कोशिका को कैल्सिन के साथ उपचारित किया जाता है, कोशिका सेल के अंत में कितने गुणसूत्र होंगे, नोट रासायनिक कैल्शियम स्पटन के गठन में हस्तक्षेप करता है, 32, 40, 16, 24। सो सिंपल गाइस, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 32। नेक्स्ट, डीएनए की प्रतिकृति निम्न में से होती है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्ड, यस फेज या फिर जीआई फेज या फिर जी2 फेज या फिर एम फेज। सारी फेज आपको पता होगी तो आपको वैसे आ जाएगा क्वेश्चन, और वैसे पता होनी चाहिए आपको सारी फेज, कोशिका विभाजन की भी और ये वाली भी। ठीक है, सो इसका राइट ऑप्शन यस फेज। नेक्स्ट, लिपिड को संग्रहित करने वाले प्लास्टिड है, द प्लास्टिड द स्टोर लिपिड आर, क्रोमोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एलरोप्लास्ट या फिर एमिलोप्लास्ट। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहले तो आप बताओ कौन सा हो सकता है, ताकि आपको तो थोड़ा एहसास हो कि कितनी गहराई में हैं हम, और जो गहराई में रोजाना से 8-10 वीडियो देखना शुरू कर दो, 3 वीडियो सुबह देखो, 3 वीडियो दिन में देखो, 3 वीडियो शाम को देखो, वैसे 9 वीडियो हो रहे, हो जाएगा सिलेक्शन। लिपिड को संग्रहित करने वाले प्लास्टिड है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इलायोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट, की उपस्थिति के कारण प्राकण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह से संरक्षित रहते हैं, पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व पर्सिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस, स्पोरोलिन, सेलुलोज, सेलुलोज और पैक्टिन, सेलुलोज और स्पोरोलिन। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्पोरोपोलिनिन। नेक्स्ट,
नाइन प्लस टू पेशन में अक्षसूत्री सूक्ष्म नलिकाओं एक्जोनेमल माइक्रोट्यूबल्स की अवस्था व्यवस्था निम्न में देखी जाती है। द अरेंजमेंट ऑफ एक्जोनेमल माइक्रोट्यूबल इन नाइन प्लस टू पिजन इन सीन, केवल पक्षमाप, केवल तार केंद्र या फिर पक्षमाप या फिर केवल कसाबिका। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पक्षमाप यानी कि सीलिया और केवल कसाबिका दोनों। नेक्स्ट फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक हमने नीचे दे दिया डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम का। गेहूँ की किस किस्म में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और इससे गेहूँ की खेती में सुधार के लिए दत्तगृह में इस्तेमाल किया जाता है, सोनालिका, हिमगिरी, एटलस 66 या फिर कल्याण सोना। आई होप आपने चूज कर लिया वन ऑप्शन, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एटलस 66 और जो लिंक हमने बताए थे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।